तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। तो गाइस, काफ़ी लोग काफ़ी तरह के सवाल पूछते हैं, तो कुछ भाई लोग ये सवाल भी पूछ रहे थे कि भाई थंडर M4 कैसे निकालते हैं। तो आज उसी बारे में वीडियो बनाया हूँ गाइस मैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, उससे आपके समझ में आ जाएगी। अब मैं बताता हूँ थंडर M4 से आखिर होता क्या है। कुछ भाई लोगों को यह भी पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग कोई सर्वर खेलते हैं और अपने पास में थंडर M4 है, तो अपने पास में रियल में M4 होनी चाहिए। और उस M4 से अगर आप किसी बंदे को किल करेंगे, तो फिर उसके बाद आपका नाम थोड़ा सा चमकता हुआ दिखाई देगा। एक अलग तरह का एक वो हो जाता है कि मतलब इस बंदे ने इस बंदे को किल किया है। सभी के बिल्कुल साधारण तरीके से नाम लिखे आते हैं, लेकिन आपका नाम कुछ अलग तरह से लिखा आएगा। बस यही फ़र्क होता है, इसीलिए लोग ये M4 खरीदते हैं और इसको चलाते हैं, ठीक है। यह अपग्रेड भी होती है गाइस, वो सारा सब कुछ बताऊंगा आगे। अभी फ़िलहाल देख लो कि मैंने ये चाबी ले ली है और मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि कब तक निकलती है थंडर M4। थंडर M4 निकालने के लिए अभी मैं बताऊंगा आप सभी को, एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन यहीं से निकलती है। अभी मैं बताता हूँ, ये जो फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ना, जो रेयर लिखा हुआ है, ये अगर निकल गया ना आपने, तो फिर समझ लेना कि हम लोग थंडर M4 खरीद सकते हैं। चलो, तो इस बार भी नहीं निकली, मतलब ये नहीं निकला यार जो रेयर लिखा हुआ है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ओके, यही मिल रहा है अभी तो। फालतू की चीज़ें मिलेगी, बाद में मिलेगी, मुझे पता है। तो ये देख लो गाइस, इस बार जो मैंने क्रेट ओपनिंग की उसमें ये निकला। एक तरह से क्रेट ओपनिंग है ना यार, तो इसलिए मैंने यही बोल दिया। देखते हैं कब तक निकलता है ये। वैसे एक बात बताऊं गाइस, ये जो चाबी होती है ना, जिससे मैं अभी ये कर रहा हूँ, ये फ्री में भी मिलती है। कभी कभी कोई इवेंट आता है ना, तो अगर आप इनको इकट्ठी करोगे तो थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है यार गाइस। बस यही है बात, आप लोग भी निकाल सकते हो थंडर M4, लेकिन अगर आपको जल्दी निकालनी है तो फिर तो आपको टिकट लगाने पड़ेंगे। और अगर जैसे कि आप आराम से खेल रहे हो, तो 8-10 साल में तो निकल ही जाएगी। चलो तो गाइस, एक बार फिर से मैं देखता हूँ। अभी तक तो थोड़ी सी और चाबी मिली है मुझे। ये बॉक्स इधर के सारे ये ओपन हो गए ना, तो इनमें से ही मिल रही है मुझे चाबी। इसको भी कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं। चलो, तो अभी फिर से एक बार यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। इस बार क्या निकला? नहीं यार, इस बार भी नहीं निकला। अब गाइस देखो, एक बात मैं और यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि जब तक आप 200 बार ये नहीं कर लेंगे ना, तब तक आपके मतलब ये रेयर ऑप्शन नहीं ओपन होगा, मतलब ये मिलेगा नहीं आपको एक भी। तो इसलिए लगभग 200 बार तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं एक बार में ये देख लो कि मतलब 10 बार कर रहा हूँ, तो इसी तरह से 200 बार जब हो जाएगा, तब मान लेना कि ये निकल भी जाएगा। चलो, तो अभी थोड़े से और टिकट लगे हैं और फिर से एक बार करते हैं। अब तो निकलने, ओ भाई निकल गया गाइस, ये देखो एक ही काफ़ी है, बस अब मुझे ज़्यादा नहीं करनी है ये। अब यहाँ पे अगर सीधी भाषा में बात करें, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे ये एक निकल गया है, लेकिन मैंने कितनी बार यहाँ पे क्रेट ओपनिंग की तब जाके निकला है, कितने टिकट लगे मेरे, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो बस ऐसे ही इतने टिकट तो लगभग आपके लगेंगे। और अब यहाँ पर मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार। मुझे ये फर्स्ट नंबर पर है थंडर M4, यही लेनी है। इसका पूरा नाम आप लोग देख सकते हो, M4 राइफल थंडर डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो इसका पूरा नाम ये है और ये मेरे निकल जाएगी। बाकी यहाँ पे और भी काफ़ी आइटम दिए हुए हैं, वो भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन वो मुझे इतने पसंद नहीं है, तो मैं यही लूँगा। काफ़ी लोग लेते हैं इसको लास्ट रूल सर्वाइवल में। चलो, तो गाइस मैंने ले लिया है थंडर M4, और इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। अगर ये जिसके पास रहती है, तो मतलब उसको थोड़ा सा ऊँचा दर्जा दिया जाता है गाइस, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती गाइस। जब कोई किसी बंदे के पास में ये थंडर M4 रहती है ना, तो उसके पास में ये देखकर लोग ये समझ जाते हैं कि भाई इस बंदे ने इतने टिकट लगाए हैं। अभी आप लोग देख सकते थे कि मेरे पास में लगभग 13,000 टिकट थे, और बचे कितने हैं आप लोग देख सकते हो। तो बस उससे आप लोग समझ लो, मतलब रोबोट भी इससे छोटी ही चीज़ है, इससे बड़ी नहीं है, तो इसलिए इसको एक तरह से बड़ा समझा जाता है। अब चलो, इसको मैंने ले लिया है। अब इसको अपग्रेड करने का मैं सिस्टम बता देता हूँ आप सभी को। देखो, कुछ जब किल फील्ड में आप किसी बंदे को किल करेंगे, तो कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा आपका नाम, ठीक है। तो अब इसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे मैं
ये मतलब पहले तो इन टिकट से ट्रेन टिकट बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आइटम लेना पड़ेगा। तो ये देखो कुछ इस तरह से हम लोग टिकट से ट्रेन टिकट बना सकते हैं, ये चीज़ भी आप लोग समझ लो। ये देखो ट्रेन टिकट हो गए हैं मेरे पास में, और अब हमें कुछ वो खरीदनी पड़ेगी यार, कुछ वो होता है मेटल जैसा, ये देखो। तो ये मैं कितने लूँ यार, 400 काफ़ी रहेंगे। ठीक है चलो, ये मैंने बाय कर दिए। और अब ये लेनी पड़ेगी, ये कुछ मतलब एक तरह से कील जैसा होता है इसका नाम, लेकिन ये गन कंपोनेंट्स बोला जाता है इसको। ये भी मैंने ले लिया है, और ये देखो अपग्रेड भी मैंने कर दिए थंडर M4 को। अब ये कुछ ऐसी हो जाएगी, मतलब मैं जब सर्वर में खेलूँगा और वहाँ पर मेरे हाथ में जब ये आएगी ना, तो कुछ इस तरह से चलेगी, ठीक है। और मेरा नाम चमकता हुआ आएगा अगर मैं किसी बंदे को किल करूँगा, बस इसका काम यही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी जो गन है वो ओपन हो चुकी है, मैंने इसको इक्विप भी कर लिया है। अब लॉबी में भी ये दिखाई देगी, और अगर मैं कोई सर्वर खेलूँगा उसमें जैसे कि मेरे पास में M4 आ जाती है हाथ में, मतलब मेरे बैग में, और मैं अगर उसको चलाऊँगा किसी बंदे को किल करूँगा, तो मेरा नाम एक तरह से वो मतलब येलो कलर में थोड़ा सा चमकता हुआ आएगा। तो गाइस देखो आप सभी के लिए आज मैंने मतलब ये करके दिखा दिया है, क्योंकि काफ़ी भाई लोगों की इच्छा थी कि भाई मतलब ये एक तो अपग्रेड कैसे होती है गन, और दूसरी बात हम कैसे निकालें थंडर M4। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। और अब मैं आज एक बात और सोच रहा हूँ, ये आईडी मेरी है गाइस, तो इस पर मैं कुछ मतलब एक कैरेक्टर भी लेना चाहता हूँ। तो चलो यार जो टिकट बचे उसमें एक कैरेक्टर तो ले ही लेते हैं, लेकिन कौन सा ले ये देखने वाली बात होगी। तो अब मुझे गाइस एक काम करना पड़ेगा, अगर कोई कैरेक्टर मुझे लेना है तो मुझे मॉल ऑप्शन में जाना पड़ेगा। कुछ भाई लोग एक बात और पूछते हैं, मैं बताऊं आप सभी को कि भाई अगर हमें कोई कैरेक्टर लेना है तो कैसे ले, तो उसके लिए आपको मॉल में जाना है, आपके पास में टिकट होने चाहिए बस, और यहाँ पर सारे के सारे कैरेक्टर जो भी है वो सब आपको दिखाई देंगे, आप कौन सा भी बाय कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये वाला कैरेक्टर मैं सोच रहा हूँ, ये वाला बाय कर ले यार। एक मिनट, नीचे के भी कैरेक्टर मैं देख लेता हूँ, कुछ डाउनलोड है कुछ डाउनलोड नहीं है, ये वाला कुछ ज़्यादा ही महंगा है, लेकिन मैं ले तो सकता था पहले, अगर मैं थंडर M4 नहीं निकालता तो ये भी मैं ले सकता था, फिर तो मैं काफ़ी कैरेक्टर ले सकता था यार, क्योंकि वो अकेली गन इतने सारे टिकट खा गई। चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर वाला वो जो कैरेक्टर है वो ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा मतलब बढ़िया लगता है। इसके दोनों तरफ जो बाल है ना इसके, वो थोड़े अच्छे लगते हैं मुझे, ड्रेस तो कुछ मतलब रखती नहीं है। तो मैंने फाइनली वो कैरेक्टर भी बाय कर लिया है गाइस, अब बस उसको इक्विप करना बाकी है, तो मैं इक्विप कर लेता हूँ। और अभी मैंने देखा कि जो मेरे हाथ में गन मैंने पकड़ी हुई है ना M4, वो कुछ अलग ही टाइप की बन गई है गाइस, मतलब अपग्रेड होने के बाद में। यहाँ पे लॉबी में तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन जब मैं सर्वर में खेलूँगा और मेरे साथ का बंदा मुझे देखेगा मेरे हाथ में जब ये गन रहेगी, तो मतलब कुछ घूमती ही रहेगी आगे की साइड से, ये देखो कुछ इस तरह से। चलो तो मैं यहाँ पे इक्विप कर लिया हूँ कैरेक्टर, ठीक है, ये देख लो सारी चीज़ें लगा दी है मैंने, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ सिस्टम तो हो रहा है यार, मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ। अच्छा यहाँ से हटाना पड़ेगा सेटअप, ऐसे करना पड़ेगा। अरे भाई अभी भी क्यों दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं गाइस यार क्यों दिखाई नहीं दे रहा, एक बार फिर से चेक करता हूँ, शायद इंटरनेट का कुछ इशू है। अब एक बार इसको हटा के देख लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो यार गाइस लग गई है फिलहाल अपनी जो ड्रेस थी, और मैंने लड़की का कैरेक्टर लिया है। क्या है अधिकतर लास्ट रूल सर्वाइवल में वैसे तो लड़कों का भी कैरेक्टर है, लेकिन लड़कियों का कैरेक्टर कुछ ज़्यादा पसंद आता है मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोग हंसना मत। चलो ये फ़ोटो ये लगा लेता हूँ मैं, क्या है कि थोड़ी मतलब अच्छी दिखाई देगी फ़ोटो अब। तो गाइस देखो एक कैरेक्टर ले लिया, थंडर M4 ले ली, और कैसे ली वो सारा मैंने आपको बताया ही है शुरू से वीडियो में, और बाकी कुछ बताने को है नहीं अभी, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो पे 300 लाइक का एम बोर्ड लगा रहा हूँ मैं, तो सभी भाई लोग लाइक ज़रूर कर देना यार, ठीक है। और जितने भी हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड अगर ज्वाइन करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पर। तो हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।